पूरे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है, वहीं आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी भी खूब गरज रहे हैं, बिहार दौरे पे हैं। काराकाट की बात करें, पाटलिपुत्र की बात करें या आरा की बात करें, खूब गरज रहे। बक्सर की बात करें, खूब गरज नरेंद्र मोदी। साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये लोग 400 पार तो नहीं करने वाले, उसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस को तो लग गया है कि वो लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं और हम लोग की ये जीत है कि 400 पार करके रहेंगे। और उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के लोग तो जब 3 तलाक लाया गया था तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे, UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तब भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लागू करेंगे और हम लोग सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और वही ओवैसी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। पार नहीं करेंगे शशि थरूर कह रहे, इसका मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है, तो हमारी सरकार बन रही है ये कांग्रेसी भी स्वीकार कर चुके हैं। खाली इसमें है कि नहीं 400 के पार नहीं जाएंगे और हमारी जिद है 400 के पार जाने की। UCC का तो कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस ने जो 3 तलाक कानून जब हम लोग लाए थे खत्म करने का, उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस की आदत है वो वोट बैंक की सियासत करना चाहती है। हम सबको बराबरी देना चाहते हैं, हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, हम बराबर का कानून चाहते हैं, सबके लिए बराबरी चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्पष्ट किया है। यूसी से ओवैसी जी भी आ रहे हैं, लगता बिहार में क्या कितनी टक्कर होगी। अच्छा ओवैसी आ रहे हैं, आगे आप लाख लोगों से भेंट हो गया। छठे चरण का मतदान हो रहा है, वो क्या लगता कितना टक्कर होगा? ओवैसी को भी बुला लें या किसी को बुला लें, 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। तो आपने सुना किस तरीके से ओवैसी को लेकर के उन्होंने कहा कि आ गए हैं लेकिन किसी को बुला लीजिए, 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, ये लोग तो अब मान चुके हैं कि हम लोग किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग की जीत है कि 400 पार हर हाल में करना है। अब देखना ये हुआ कि आज भी छठे चरण का मतदान हो रहा है, उसके बाद एक और चरण यानी 1 जून को मतदान होगा, उसके बाद से 4 जून को क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या NDA जो है 400 पार करने जा रही है या कांग्रेस जो कह रही है कि 400 पार ये लोग नहीं करने जा रहे हैं, सरकार हम लोग की यानी इंडिया गठबंधन की आ रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है पर्दा जो है चार चारदी को उठ जाएगा। लेकिन राजनीतिक हलचलों की बात करें तो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर है। अब ये 4 तारीख को ही खुलासा होगा कि आखिर में क्या NDA जो है 400 पार लाती है या इंडिया की सरकार बनती है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।